class. In the previous class, we have learned about the multiplication sets. कि हमने last class में क्या सीखा था students? Multiplication sets. कि how can we do multiply? Today we are going to learn word problems that are related to multiplication. आज हम word problems solve करेंगे जो किससे related है multiplication से. Before I start the word problem, I want to explain the difference between addition word problems and multiplication word problems. Students, do you know there is a difference between addition word problems and multiplication word problem? Addition में क्या होता है कि हम एक सेम चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन जो वर्ड प्रॉब्लम के सम्स होते हैं उसमें हम दो अलग अलग बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं. जैसे कि एडिशन वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर 6 मैंगोज इन अ बास्केट, देर आर 4 बनानास इन अ बास्केट. मीन्स ये दोनों चीज किससे रिलेटेड है, फ्रूट से रिलेटेड है. तो ये तो क्या एडिशन वर्ड प्रॉब्लम, किसमें हम सेम चीज के बारे में बात करते हैं. बट इन मल्टीप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स वी टॉक अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि हम ये फर्स्ट सम में रीड करते हैं, अ चेस बोर्ड हैज 8 रोज ऑफ 8 स्क्वेयर्स ईच. एक चेस बोर्ड है, देखो एक चेस बोर्ड आपने देखा होगा घर पे जिसके ऊपर हम चेस खेलते हैं, उसमें व्हाइट और ब्लैक कलर के स्क्वेयर्स बने होते हैं. कि एक चेस बोर्ड हैज 8 रोज. 8 रोज, रो का मतलब क्या होता है, लाइंस. कि चेस बोर्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइंस होती हैं, और हर लाइन में 8 स्क्वेयर्स होते हैं, 8 स्क्वेयर ब्लॉक. जैसे ये स्क्वेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितनी रोज है, 8, और 1 रो में कितने स्क्वेयर्स हैं, 8. तो हम इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अ चेस बोर्ड हैज रोज, अ चेस बोर्ड हैज रोज 8. कितनी रोज है चेस बोर्ड में, 8. ईच रो हैज स्क्वेयर्स, हम लिखेंगे ईच रोज has squares 8. कि each row में, हर line में 8 squares हैं. Now we have to told how many squares in all, कि कितने squares हैं, हम लिखेंगे total squares. अब हमें टोटल स्क्वेयर्स फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 8 रोज बाय 8 स्क्वेयर्स. 8 इंटू 8 64. सो स्टूडेंट्स टोटल स्क्वेयर्स आर 64. आंसर इज 64 स्क्वेयर्स. स्टूडेंट्स आप सबको वर्ड प्रॉब्लम्स हम थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, बट If you read the statement carefully, you can understand it well. कि सबसे पहले हमें जो है, जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, अगर हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे लिए सम करना इजी होगा. नेक्स्ट सम इज अ पेंट बॉक्स हैज 16 ट्यूब्स ऑफ पेंट्स. एक पेंट बॉक्स है, उसमें 16 ट्यूब्स हैं पेंट की. कितनी ट्यूब्स हैं, 16 ट्यूब्स. How many tubes will 5 such boxes have? अगर हमारे पास same paint box के ऐसे 5 boxes हैं, तो total tubes हमें बतानी है. कि one paint box has 1 paint box has paint tubes 16. कि एक पेंट बॉक्स में कितनी पेंट ट्यूब्स हैं, 16. फाइव पेंट बॉक्सेस हैव पेंट ट्यूब्स
अब हमें बताना है स्टूडेंट्स कि वन पेंट बॉक्स हैज 16 पेंट ट्यूब्स, कि वन पेंट बॉक्स में 16 ट्यूब्स हैं। इफ वी हैव 5 पेंट बॉक्स, अगर हमारे पास 5 पेंट बॉक्सेस हैं तो उसमें कितनी पेंट ट्यूब्स होंगी? व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई 16 बाय 5। हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी पेंट ट्यूब्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। अब हम यहां पे लिखेंगे टोटल पेंट ट्यूब्स। कि 5 बॉक्सेस में कितनी पेंट ट्यूब्स हैं, 5 6 30, वी विल राइट हियर 0 and 3, कैरी ओवर टू नेक्स्ट कॉलम, 5 1s are 5, 5 plus 3 8। सो स्टूडेंट्स 5 पेंट बॉक्सेस है 80 पेंट ट्यूब्स, आंसर इज 80। स्टूडेंट थर्ड सम इज अ डे हैज 24 आवर्स। स्टूडेंट्स डू यू नो वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स डज अ वीक है, कि वन वीक में कितने आवर्स होंगे? स्टूडेंट्स टेल मी हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, 7 डेज। कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं, वी हैव टू टेल हाउ मेनी आवर्स इन 7 डेज, मीन्स वन वीक में 7 डेज होते हैं। तो हम लिखेंगे अ डे हैज आवर्स, अ डे हैज आवर्स कितने होते हैं? 24। वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। अ वीक हैज, वीक मीन्स वन वीक, एक सप्ताह में कितने दिन हुए, कितने आवर्स हुए? अ वीक हैज आवर्स, अ वीक में होते हैं 7 डेज, देन वी विल मल्टीप्लाई 24 by 7। हमें 7 डेज में टोटल आवर्स बताने हैं। 7 4s are 28, वी विल राइट हियर 8 and 2, कैरी ओवर टू नेक्स्ट कॉलम, 7 2s are 14, 14 plus 2 16। सो स्टूडेंट्स देयर आर 168 आवर्स इन अ वीक, आंसर इज 168 आवर्स। वन वीक में कितने आवर्स हुए? 168। स्टूडेंट्स फोर्थ सम इज पिया स्कूल वॉज क्लोज फॉर 45 डेज। पिया का स्कूल 45 डेज के लिए उसमें समर होलीडेज के लिए बंद था। समर होलीडेज हुई पिया के स्कूल में, 45 डेज उसका स्कूल बंद रहा। एवरी डे शी डिड 6 sums, शी डिड 6 sum डेली, उसने क्या किया, हर रोज वो 6 sums करती थी। हाउ मेनी सम्स डिड शी डू ड्यूरिंग द होलीडेज? नाउ वी हैव टू काउंट टोटल सम्स ड्यूरिंग होलीडेज, कि हमें बताने कि उसने अपनी होलीडेज के दौरान कितने सम्स किए। लिखेंगे पियर्स स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 45 days, 45 days के लिए उसका स्कूल बंद रहा। she did sums every day, six, वो हर रोज 6 sums करती थी। She did sums during the holidays. She did sums during the holidays. तो हम यहां पे क्या करेंगे? We will multiply 45 by 6.
हम 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 45 डेज के लिए उसका स्कूल बंद था और वो हर रोज डेली 6 सम्स करती थी। तो अब हमें बताना है कि उसने टोटल सम्स कितने किए। 6 5 30, 0 हम यहां लिखेंगे, 3 कैरी ओवर टू नेक्स्ट कॉलम, 6 4 24, 24 + 3 27, 270 सम्स। उसने 45 डेज में कितने सम्स किए? 270। आंसर इज 270 सम्स। सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू हैव टू डू वर्ड प्रॉब्लम सम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। आफ्टर दैट यू कैन डू सम इजीली। अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से रीड करेंगे तो आप वो सम इजीली कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। मुझे आशा है कि आपको ये सम समझ में आ गए होंगे। यू हैव टू डू दिस सम्स इन योर नोटबुक। थैंक यू।